मैं उनकी बात में सहमत हूँ, खालिस्तान चाहिए हमारे को। हमने कनाडा में भी बोला, हर जगह बोला है, हर जगह हमने भाषण दिए। आप फिर से दोहराना चाहते हैं देश का बंटवारा चाहते हैं? गलती कांग्रेस ने करी है ना, कांग्रेस से हक नहीं बनता। हिंदुस्तान में सिखों की आबादी 1.5% है, ठीक है, हर 1.5% वाले को एक एक देश मिल जाए तो इस देश के 50 टुकड़े हो जाएंगे, संभव है ये? कांग्रेस ने करा क्या, ये टुकड़े वाली राजनीति करी है, क्योंकि इसने भी कांग्रेस ने उससे पहले भी करा था। इंदिरा गांधी ने क्या करवाया पता तुम्हारे को? इंदिरा गांधी ने ऊपर जो हमारे जो ग्रंथ साहब पे ऊपर अटैक करवाया। आप भारत में रह क्यों रहे? अगर आप भारत, आपको भारत देश पसंद नहीं है, भारत की एकता पसंद नहीं है, खंड, एक मिनट रुक जाइए, आप रह क्यों रहे हैं भारत में? भारत में रह गए, शुरू से पैदा ही आए तो रहे, यही रहेंगे। पंजाब से आए हैं, पंजाब पर रहते हैं, पंजाब में रहते हैं। पंजाब भारत में नहीं है, पंजाब भारत का हिस्सा है सरदार जी, और भारत का हमेशा रहेगा, अटूट हिस्सा है। और तुम्हारे को दिखा, वक्त दिखाऊंगा तुम्हारे को, वक्त आएगा। सरदार जो अपनी हथेली में लड़के मर सकता है ना, बाबा दीप सिंह ने क्या करा था, अपनी हथेली में अपनी सिर काटा था ना। ये 100% की मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ कि भारत के टुकड़े जो भी करने वाले होंगे वह सिख नहीं हो सकते हैं, सरदार नहीं हो सकते हैं, कोई भी भारतीय मांग नहीं कर सकता है खालिस्तान का। अरे सरदार जी, मुसलमान भी शहीद होते हैं, वो अपने देश की मांग नहीं करते, भारत में रहते हैं वो भी। आप कैसी बातें कर रहे हैं, बेतु की बातें कर रहे हैं आप? खालिस्तान का समर्थन कर रहे हैं कुछ लोग, क्या कहेंगे? अरे कभी नहीं बनेगा, इतनी साल से कांग्रेस थी, क्यों नहीं बनवा लिया? पटना वाला, पटना साहिब वाला, पटना वाला ठीक है, पाकिस्तान और महाराष्ट्र वाला, उसको भी शामिल करोगे? सब करेंगे, सब करेंगे। और गुवाहाटी में जो है मुख्य, उसको भी शामिल करोगे? तो सारे तो खालिस्तान है पहले से। अरे जहाँ गुरुद्वारा होगा वहाँ हम जाएंगे। सरदार जी, पूरे भारत में गुरुद्वारे हैं, पूरे भारत को खालिस्तान बना देंगे। 150 गुरुद्वारा। शहीदी होती तो किसान के टाइम पे जो आंदोलन किया था उस पर कुछ हुआ? कुछ हुआ उस टाइम पे? कुछ हुआ क्या? उस टाइम पे भी मांग की थी आप लोगों ने खालिस्तान की, तो मौज आ रही है। अरे किसान हमारी 10 बीघे जमीन है पंजाब के अंदर, कहाँ बैठा हुआ है? यूपी के किसानों के पास जमीन नहीं है, हरियाणा के किसानों के पास जमीन नहीं है, दिल्ली के किसानों के पास जमीन नहीं है, वो क्यों नहीं मांग करते खालिस्तान की? हम सरदार लोग, हम मान करेंगे। मोदी ने बचा लिया, मोदी ने बचा लिया, और कांग्रेस होती सुनिए, कांग्रेस होती तो गोलियां चलवा देती, जो 7 नवंबर 1966 में पार्लियामेंट में चलवाई थी, तुम्हें याद है? अब तो खेती है ना, अब खेती है, घर है, सब कुछ है ना, आराम करो फिर। वहाँ पे जाते हैं अपना, अब खालिस्तान मत मांगो, खालिस्तानी मत बनो, खालिस्तानी मत बनो, हिंदुस्तानी बनो। हम शहीद देने के लिए पैदा हुए, हिंदुस्तानी बनो बाबा, मरने के लिए पैदा हुए। ना 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 ना, नहीं बनेंगे भैया, जहर भरा हुआ है अंदर, जेल जाएगा केजरीवाल, वो ड्रामा कर रहा है समझे, पब्लिक को बेवकूफ बनाता है। क्यों चाहते हैं बेचारों को जेल भेजना? जाना चाहिए उसको, अभी वो बुजुर्ग खड़े हुए हैं यहाँ पे आए हुए, वो अगले को क्या नाम है 40 रुपए का वो पास बनवाया और बसों में से उतार दिया, दवाई लेने जा रहा था। अरे बस में से उतार दिया पास छोड़ के, क्यों उतार दिया? अरे ये नहीं चलता है, पैसे दो, पैसे दो। वो 40 रुपए का टिकट लेके भी बैंको बसों में नहीं चलेगा, क्या करेंगे इसका केजरीवाल का? जूते मारेंगे। बताओ अगला हॉस्पिटल जा रहा है बीमार आदमी दवाई लेने के लिए और उसको बस से नीचे उतार दिया, ऐसा हुआ क्या? आज ही हुआ है। अरे भैया ये 4 तारीख को तो मोदी आ रहा है, ये कहाँ जा रहे हैं? ये तो पाकिस्तान जाएंगे ये केजरीवाल। हमारी उम्र 78 साल की है, मुंह में दांत नहीं है, पेट में हाथ नहीं है, समझे, हमसे टिकट मांगता है। जो घरों का किराया, वो घरों का बिजली का बिल माफ कर दिया, दुकानों पे चौकना कर दिया, बंद दुकान का 450 रुपए आ रहा है। अरे मत भेजिए जेल, अभी तक आयुष्मान का कार्ड नहीं बना हमारा, आयुष्मान का कार्ड नहीं बना दिल्ली में। हाँ कहता दिल्ली वालों का नहीं बनेगा, इसको पकड़ के काटेंगे खूब अच्छी तरह से। हाँ काटेंगे, वो कह रहे हैं कि हम जीत रहे हैं 4 तारीख को राहुल गांधी के साथ। गद्दार है, हमने इसके साथ काम कराया, इसकी पार्टी बनवाई है। 5-10 साल में तो बाप ने जाके जुबान कटवा लिया जाके केरल में, इसकी बार बार जुबान बढ़ती जा रही है। अब की कह रहा मुझे क्या कहते हैं टीबी हो गया, कैंसर हो गया, कह रहा आपकी कैंसर हो गया उसको, भारद्वाज बोल रहा है। तो इसलिए तो मांग रहे हैं मोहलत, मांग रहे हैं 9 तारीख तक की मत, मर जाए वो, देश धरती का बहुत खत्म हो जाएगा। मुख्यमंत्री के लिए इतनी बुरी बात है, मर जाए देश के लिए, धरती का बहुत कम हो जाएगा मरने से। वायरल होने से दिक्कत है? बहुत दिक्कत है। तो ऐसा कमेंट दीजिए जो वायरल ना हो। कमेंट्स केजरीवाल पे दिया था और कोई बात नहीं। क्या कमेंट्स दिया था? जो भी दिया था दोबारा कह के जूते पड़वाऊं 3 सीढ़ी बार। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जो सरदार जी खालिस्तान का जिक्र करके गए हैं कि हमें चाहिए, हमारे अधिकारों की बात होनी चाहिए, सहमत है उनकी बात से? हाँ मैं बिल्कुल सहमत हूँ,
मैं उनकी बात में सहमत हूँ, खालिस्तान चाहिए हमारे को। ये समाधान है सरदार जी, ईमानदारी से बताना, ये समाधान है देश का टुकड़े करना, देश का बंटवारा कर देना, ये समाधान है? नहीं, जब हमारी बात नहीं मानेगा तो हमारी खालिस्तान हमें को चाहिए। हमने कनाडा में बोला, हर जगह बोला है, हर जगह अपने भाषण दिए। हर कम्युनिटी ये कह रही है हमारी बात नहीं सुनी जा रही है, हिंदू कम्युनिटी अलग कह रही है, मुस्लिम कम्युनिटी अलग कह रही है, पारसी भी बोलने लग जाएगी, सबको देश चाहिए। मुसलमान को जब महात्मा गांधी ने बोला था, उसने पंडित जवाहरलाल नेहरू के, ये महात्मा इनको मुसलमानों को निकाल दो, जब मोहन का पाकिस्तान बन गया तो यहाँ रहने का क्या? सरदार जी जो गलती 47 में हुई उसको फिर से दोहराना चाहते हैं क्या? दोहराना चाहते हैं क्या? करी है ना, तो गलती की है, सारा देश मानता है ये कि गलती की, पाकिस्तान का बंटवारा करके आप फिर से दोहराना चाहते हैं, देश का बंटवारा चाहते हैं? गलती कांग्रेस ने करी है ना, कांग्रेस हक नहीं बनता। बाबा जी एक बात बताओ मुझे, अभी आप कहते हो खालिस्तान होना चाहिए, हिंदुस्तान में सिखों की आबादी 1.5% है, ठीक है, हर 1.5% वाले को एक एक देश मिल जाए तो इस देश के 50 टुकड़े हो जाएंगे, संभव है ये? नहीं, सारी दुनिया में हो जाएगा, हो जाएगा, चलेगा। भूल गए क्या आप? हैं? 84 दंगे भूल गए? भूल गए क्या? मारा हमने, हम क्यों भूलेंगे? भूलेंगे हमने, आज तक बातें याद है, एक एक बात याद है हमारे को, मारा हमने, समझे नहीं? फिर भी भाई वो धल्लू धारा जो हुआ था, धल्लू धारा और ऑपरेशन ब्लैक थंडर, ऑपरेशन कराया था ब्लैक थंडर कांग्रेस ने, करा क्या? ये टुकड़े वाली राजनीति करी है, क्योंकि इसने भी, कांग्रेस ने उससे पहले भी करा था, समझे? प्रताप सिंह कैरो को, पंजाब के वित्त मंत्री थे, खाली कांग्रेस के टाइम में हुआ था ना, आपको अब क्यों चाहिए? तभी तो हमें खालिस्तान चाहिए, हमारे को मारा उन्होंने, हमारे टुकड़े, हमारा घर बार लूटा उन्होंने, सब कोई लूटा, हमारा हमारा लूटा। आप भूल रहे हैं 84, एक मिनट, अरे एक मिनट, आप कह रहे हो ना कि 84 में मारा हमें, इसलिए खालिस्तान चाहिए। खालिस्तान की मांग उससे पहले ही भिंडरा वाले ने कर दी थी, जब वो अमृतसर पे जो हमला हुआ था या मिलिट्री गई थी, अरे इंदिरा गांधी से एक साल पहले से ही खालिस्तान की डिमांड हो रही थी, डिमांड हो रही थी, अब बाद में हुई है जब भिंडरा। आप कह रहे हो कि मारा इसलिए मांगा, अरे थाल डिमांड तो पहले से ही थी। इंदिरा गांधी ने क्या करवाया पता तुम्हारे को? इंदिरा गांधी ने ऊपर जो हमारे जो अतर ग्रंथ साहब पे ऊपर अटैक करवाया, तब से इंदिरा गांधी मरी क्यों, मारी क्यों गई है? सरदार जी आपने खालिस्तान की मांग तो कर ली, आप भारत में रह क्यों रहे हैं अगर खालिस्तान नहीं बन रहा है तो? क्या शुरू से ही रह रहे हैं आप भारत में रह क्यों रहे हैं अगर आप भारत, आपको भारत देश पसंद नहीं है, भारत की एकता पसंद नहीं है, खंड, एक मिनट रुक जाइए, आप रह क्यों रहे हैं भारत में? भारत में रह गए शुरू से, पैदा ही यहाँ तो रहे, यही रहेंगे, फिर भी पसंद नहीं आपको, फिर भी इसकी खिलाफत करेंगे, ये तो देश विरोधी बातें होगी ना? पंजाब से आए हैं, पंजाब पर रहते हैं, पंजाब में रहते हैं, पंजाब भारत में नहीं है, पंजाब भारत का हिस्सा है सरदार जी, और भारत का हमेशा रहेगा, अटूट हिस्सा है। तुम्हारे को दिखा, वक्त दिखाऊंगा, तुम्हारे को वक्त आएगा, भूलते नहीं हम, सरदार कभी जिंदगी में नहीं भूलता, सरदार जो अपनी हथेली में लड़के मर सकता है ना, बाबा दीप सिंह ने क्या करा था, अपनी हथेली में अपनी सिर कटा था ना, वो ही नहीं सकता है, ये 100% की गारंटी है जो खालिस्तान की मांग करेगा, ये 100% की, मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ कि भारत के टुकड़े जो भी करने वाले होंगे वो सिख नहीं हो सकते हैं, सरदार नहीं हो सकते हैं, शहीद होंगे, और भारतीय कोई भी भारतीय मांग नहीं कर सकता है खालिस्तान का। एक बात रहेगी मेरे को, कितने शहीद हुए सरदार? हाँ बिल्कुल सही बात सर, किसने बचाया हिंदू कौम को, बचाया कौन है? अरे सरदार जी मुसलमान भी शहीद होते हैं, वो अपने देश की मांग नहीं करते, भारत में रहते हैं वो भी, आप कैसी बातें कर रहे हैं, बेतु की बातें कर रहे हैं आप, समझे नहीं? जितने सरदार मरे, सवाल पूछने तो, और किसको बचाने वाला सरदार, हिंदू को बचाने वाला कौन? जितने लोग शहीद होंगे अपना अलग देश मांगेंगे क्या? क्या यार, बचाने वाला कौन है? कौन है? हमने बचाया है, जब बचाओ आप लोग यहाँ पर हिंदुओं ने बचाया, जंजू ना जंजू, औरंगजेब उतार रहा था तब तुम लोग थे, आप लोग थे, हमने बचाया, हमने, हम आपने आपको बचाया, आप हमने भी बचाया, तुम क्या भागे थे? खालिस्तान का समर्थन कर रहे हैं कुछ लोग, क्या कहेंगे? अरे कभी नहीं बनेगा, इतनी साल से कांग्रेस थी, क्यों नहीं बनवा लिया? सवाल का जवाब दो, आप कह रहे हो खालिस्तान चाहिए हमें, अब मुझे ये बताओ खालिस्तान में देखो मुख्य मुख्य गुरुद्वारे जैसे पटना साहिब वाला है, वो चाहिए, वो खालिस्तान में शामिल करोगे या नहीं करोगे? करोगे, करोगे नहीं करोगे? करेंगे, पटना वाला, पटना साहिब वाला, पटना वाला, ठीक है, पाकिस्तान और महाराष्ट्र वाला, उसको भी शामिल करोगे? सब करेंगे, सब करेंगे, और गुवाहाटी में जो है मुख्य, उसको भी शामिल करोगे? तो सारे खालिस्तान है पहले से, अरे जहाँ गुरुद्वारा होगा वहाँ जाएंगे। सरदार जी पूरे भारत में गुरुद्वारे हैं,
पूरे भारत को खालिस्तान बना देंगे। 150 गुरुद्वारा पूरे भारत को खालिस्तान बना देंगे। जहाँ भी गुरुद्वारा है वहीं मत्था टेके वहीं जाएंगे। हमारा जो गुरु है ना हमने जो हमारे अच्छा भी ये तो हवा में बात होगी। रणनीति क्या है खालिस्तान बनाने की मुझे ये तो बताइए। रणनीति है कि हमारे हमारी बातें कोई मान ही नहीं जाते, हमारे को नौकरी नहीं देता सरदार साहब। बातें तो नहीं मान रहे ना कांग्रेस ने मानी ना भाजपा ने मानी। अब आगे क्या करेंगे, क्या प्लानिंग है? तो प्लानिंग अपनी जो ऐसे यही होगी, लड़ेंगे, धरना देंगे, क्या करेंगे? सुन तो ये रहे नहीं, धरना ही होगा और क्या होगा। धरने से तो कुछ हुआ नहीं, अभी किसानों ने दिया धरना, खालिस्तान की खूब मांग की गई। सिख कौम लड़ने मरने को तैयार है, शहीदी देने को तैयार है। जब तक नहीं होगा तो ये शहीदी होगी होती रहेगी। 47 से अब तक क्यों नहीं लड़े? लड़े क्यों कहता नहीं लड़े? सब लड़े हैं। सॉल्यूशन नहीं है? हाँ सब सॉल्यूशन है। जब शहीदी होती तो किसान के टाइम पे जो आंदोलन किया था उसपे कुछ हुआ? कुछ हुआ उस टाइम पे? कुछ हुआ क्या? उस टाइम पे भी मांग की थी आप लोगों ने खालिस्तान की, तो फिर कुछ हुआ बना खालिस्तान बन गया? कांग्रेस थी इतने टाइम से, तब मांग की थी, जोर लगाया, जब पेश नहीं आई तो क्या करेगा? अरे कांग्रेस के टाइम पे खालिस्तान नहीं बना। रणनीति तो बता नहीं रहे हैं कि क्या करेंगे, सरकार को घेरेंगे कैसे, भारत को कैसे तब्दील करेंगे खालिस्तान में। रणनीति क्या है? हमारी रणनीति यही है कि हमारे को नौकरी दी जाए, हमारे को काम धंधा दिया जाए, हमारी आस भी बढ़ाई जाए, सब जो किसान कहते हैं उनकी बातें मानी जाए। समझे नहीं बात? आपको पता है पूरे भारत में सबसे खुशहाल पंजाब राज्य है, फिर भी खालिस्तान चाहिए? क्यों चाहिए? हाँ बिल्कुल चाहिए। क्यों चाहिए? तुम्हारी बातें क्यों नहीं मानी जाती? MSP जो बोला था मोदी को। अच्छा क्या बातें हैं जो मनवाना चाहते हैं? अरे मोदी जो MSP क्यों नहीं बढ़ाई उसने? क्यों नहीं बढ़ाई बताओ? 23 फसलों पर MSP लागू है या नहीं है? कोई लागू नहीं है। किसने कहा? लिख के नहीं दिया, उन्होंने जबानी बात करी। आप किसान ही हैं? किसान ही हैं? 23 फसलों पर MSP दी जा रही है, 23 फसलों पर। सरदार जी कैसी बात है? मौज आ रही है किसानों के, सारे किसान खुश हैं यार, मौज आ रही है किसान। अरे किसान हमारी 10 बीघे जमीन है पंजाब के अंदर, कहाँ बैठा हुआ है? यूपी के किसानों के पास जमीन नहीं है, हरियाणा के किसानों के पास जमीन नहीं है, दिल्ली के किसानों के पास जमीन नहीं है, वो क्यों नहीं मांग करते खालिस्तान की? हम सरदार लोग हैं, हम मान करेंगे। तो ये बोलिए ना किसानों को क्यों बीच में ला रहे हैं कि किसान दुखी है, आपको खालिस्तान चाहिए, ये बोलिए। अरे किसान हम भी किसान है, हम भी किसान के भाई। यूपी में किसान नहीं रहता? हम किसान की पैदावार। बिहार में किसान नहीं रहता? झारखंड में किसान नहीं रहता? वो अपनी डिमांड करेंगे, हम अपनी डिमांड करेंगे। उनको अपना देश नहीं चाहिए, अपना देश सिर्फ आपको चाहिए। वो भारत से प्यार करते हैं, आप भारत से प्यार नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते? और शर्म आनी चाहिए आपको, आप ऐसी बातें नेशनल कैमरा पे बोल रहे हैं ना कि भारत के टुकड़े होने चाहिए, शर्म आनी चाहिए आपको। हमें कोई जरूरत, हमें तो चाहिए, हमें जो चाहिए तो चाहिए। जो हमारा क्या लग रहा है भैया, खालिस्तान मांग रहे हैं? अरे बहुत गलत कर रहे हैं, देश में इन्हें रहना नहीं चाहिए, इनको भारत में रहने के रहना नहीं देना चाहिए इनको। लेकिन रह रहे हैं, क्या कर सकते हैं? क्यों चिल्ला रहे भैया? पैदा हुआ ना मरने के लिए, पैदा हुआ ना ना मरो मत, जिंदा के लिए पैदा, देश के लिए। मोदी ने बचा लिया, मोदी ने बचा लिया, कुसा बचा लिया, मोदी ने बचा लिया। और कांग्रेस होती, सुनिए, कांग्रेस होती तो गोलियां चलवा देती, जो 7 नवंबर 1966 में पार्लियामेंट में चलवाई थी, तुहानू याद है? देखा है? तुहानू देखा नहीं है? समझे? अगर कांग्रेस होती ना गोलियां चलवा देती, हमने घर वाले भी नहीं लगता कहाँ पहुंच गए। सब गए, खेती है ना, अब तो खेती है ना, अब खेती है, घर है, सब कुछ है ना, आराम करो। फिर वहाँ पे जाते हैं अपना, अब खालिस्तान मत मांगो, खालिस्तानी मत बनो, खालिस्तानी मत बनो, हिंदुस्तानी बनो। हम शहीद देने के लिए पैदा हुए, हिंदुस्तानी बनो बाबा, मरने के लिए पैदा हुए। ना 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 नहीं बनेंगे भैया, जहर भरा हुआ है अंदर। खालिस्तान की डिमांड चल रही है देश में, मांगने दीजिए इन लोग को, मांगने दीजिए, इसीलिए तो मोदी जी को लेकर। अच्छा 4 जून को क्या होने वाला है? चार दोपहर क्या पता है? बीजेपी आएगी, मोदी जी आएंगे, वोट ही उनको दिया गया ऐसे खालिस्तानी को हटाने निकालने के लिए। केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट गए, अभी कह रहे हैं कि 9 तारीख तक हमें बख्श दीजिए, जेल मत भेजिए। सुनिए, मिली तो छुट्टी अभी, तब तक ले वो कर लिए यात्रा वात्रा, ठीक है। अब जब जेल में जाने का टाइम आ रहा है तब तो तबीयत खराब होगी, ये जेल में टेंशन मत लो। सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, कितना भी खटखटाता रहो जाएगा जेल। राहत की उम्मीद है? नहीं होगी, केजरीवाल जेल में जाके वहां में चलेगा। क्या लग रहा है? जेल जाएगा केजरीवाल, वो ड्रामा कर रहा है, समझे, पब्लिक को बेवकूफ बनाता है। क्यों चाहते हैं बेचारों को जेल भेजना? जाना चाहिए उसको, अभी वो बुजुर्ग खड़े हुए हैं यहाँ पे आए हुए, वो अगले को क्या नाम है 40 रुपए का वो पास बनवाया और बसों में से उतार दिया, दवाई लेने जा रहा था। हाँ दवाई के चक्कर में उसको 12 बज गए, हॉस्पिटल जाते जाते अब आया हॉस्पिटल से दवाई लेके। ये जो तारीफ कर रहे थे केजरीवाल की, किसकी? अरे वो जूते मारने के लिए आए केजरीवाल को,
अभी ये खड़े हुए बोलता है यार क्या नहीं गूंगे बन के खड़े क्या दिक्कत होगी काका। अरे बस में से उतार दिया पास छोड़ के। क्यों उतार दिया? अरे काका ये नहीं चलता है, पैसे दो पैसे दो। एक तरफ लेडीज फ्री में चल रही है, एक तरफ बुजुर्ग आदमी 60-65 साल का वो 40 रुपए का टिकट लेके भी बैंकों बसों में नहीं चलेगा। क्या करेंगे इसका केजरीवाल का? जूते मारेंगे। बताओ अगला हॉस्पिटल जा रहा है बीमार आदमी दवाई लेने के लिए और उसको बस से नीचे उतार दिया। ऐसा हुआ क्या आपके साथ? आज ही हुआ है, आज ही हुआ है। हाँ तो बड़े बढ़िया नेता है कहते हैं। कौन कहता था? हम तो ना करें भाई किसी ने। पास कहाँ है तुम्हारा? पास निकाल के दिखाओ। पास जो बनवाया तुमने। हार रहे हैं वो, ये जीत रहे हैं। हाँ कर रहे भैया, ये 4 तारीख को तो मोदी आ रहा है। ये कहाँ जा रहे हैं? बाकी तो पाकिस्तान जाएंगे ये केजरीवाल। केजरीवाल पाकिस्तान भेजेंगे इसे। क्यों? हाँ अरे लूटा है इन्हें, डकैती डाली है। हमारी उम्र 78 साल की है, मुंह में दांत नहीं है, पेट में हाथ नहीं है, समझे? हमसे टिकट मांगता है 80 साल वालों से। महिलाएं जो 50,000 रुपए तनख्वाह लेती हैं वो सुबह फ्री में जाती हैं, शाम को फ्री में आती हैं। जो घरों का किराया और घरों का बिजली का बिल माफ़ कर दिया, दुकानों पे चौकना कर दिया। बंद दुकान का 450 रुपये आ रहा है, इसका बाप देगा क्या? 4 महीने से बंद पड़ी है दुकानें, 450 रुपये बिल आ रहा है, कहाँ से देगा? घर का बिल आता था 120 रुपये का, वो माफ़ कर दिया इसने। पब्लिक जूते नहीं मारेगी तो क्या करेगी? आरती उतारेगी क्या? कह रहे मत भेजिए जेल। अभी तक आयुष्मान का कार्ड नहीं बना हमारा, आयुष्मान का कार्ड नहीं बना दिल्ली में। हाँ कहता दिल्ली वालों का नहीं बनेगा, दिल्ली वालों का नहीं बनेगा। इसको पकड़ के काटेंगे खूब अच्छी तरह से। हाँ काटेंगे। कह रहे हैं कि हम जीत रहे हैं 4 तारीख को राहुल गांधी के साथ। गद्दार है, हमने इसके साथ काम कराया, इसकी पार्टी बनवाई है, इसको चंदा दिलवाया है, रेड़ी पटरी वालों से इसका वोट दिलवाया है, समझे? इसने कहा मैं सबको लाइसेंस दूंगा, आज तक इसने लाइसेंस नहीं दिया रेड़ी पटरी वालों को। अभी बीमार हैं बेचारे, कह रहे हैं बख्श दीजिए थोड़ा सा। तो बीमार पहले बीमार नहीं था जब ये आया था, सत्ता में है तो बात जुबान कटा। जब बीमार नहीं था ये बीमारी रहेगा, ये कभी नहीं सुधरेगा, दुनिया को मूर्ख बनाता रहेगा। मूर्ख बना रहे हैं केजरीवाल जनता। बिल्कुल बना रहे हैं। 22-10 साल में दो बार आपने जाके जुबान कटवा लिया जाके केरल में, इसकी बार बार जुबान बढ़ती जा रही है। अब की कह रहा मुझे क्या कहते हैं टीबी हो गया, कैंसर हो गया, कह रहा आपकी कैंसर हो गया उसको, भारद्वाज बोल रहा है। तो इसलिए तो मांग रहे हैं मोहलत, मांग रहे हैं 9 तारीख तक की। मर जाए वो, देश धरती का बहुत खत्म हो जाएगा। मुख्यमंत्री के लिए इतनी बुरी बात है? मर जाए देश के लिए, धरती का बहुत कम हो जाएगा मरने से। वो राजनीति कौन बदलेगा फिर देश की? लोकतंत्र कौन बचाएगा? लोग आएंगे यार, बहुत लोग आएंगे। अभी तो राहुल गांधी पप्पू बैठा, हमारा पप्पू बैठा हुआ, क्या दिक्कत हमें? वो कर लेंगे। क्या लग रहा है, क्या माहौल 4 तारीख? कमेंट देता नहीं भाई, मैं देता नहीं हूँ। तो माहौल क्या होगा वैसे? 400 पार कैसे बीजेपी का कमेंट दे चुका, वो वायरल हो गया, मुझे दिक्कत आ गई थी। वायरल होने से दिक्कत है? बहुत दिक्कत आ गई। तो ऐसा कमेंट दीजिए जो वायरल ना हो। कमेंट्स केजरीवाल पे दिया था और कोई बात नहीं। क्या कमेंट्स दिया था? जो भी दिया था दोबारा कह के जूते पड़वाऊं 3 सीढ़ी बार। क्या नाम है आपका सर? सुबोध जैन। 4 तारीख को क्या होने वाला है? सरकार तो मोदी बनाएगा। मोदी बनाएगा? और ये गठबंधन? गठबंधन नहीं बनाएगा। केजरीवाल जी जेल जा रहे हैं क्या? कोई केजरीवाल हो कोई हो, सरकार मोदी बनाएगा। सरकार मोदी जी बनाएंगे? ठीक है, बहुत शुक्रिया।